जय गुरुदेव। हे महाप्रभु, आप घट घट में वासी हैं, पेड़ों में, पक्षियों में, जानवरों में, पतंगों में, धरती में, आकाश में, कण कण में, सर्वत्र आपकी ही सत्ता विद्यमान है। आपकी लीला अपरंपार है। मैं सुनता था, पुस्तकों में पढ़ता था कि द्वापर में श्री कृष्ण ने ऐसी बंसी बजाई थी कि सभी मथुरा, वृंदावन, गोकुल आदि के नरनारी दौड़े हुए आपके पास आवाज़ सुनते ही पहुंच जाते थे। आप जरा भी ओझल होते थे तो गोपियां रोने लगती थीं। श्री कृष्ण एक समय ही सभी प्रेमियों से मिले थे। त्रेता में रामचंद्र भी एक समय में अयोध्या में सभी से मिले थे। हे राम और कृष्ण के भी बनाने वाले जय गुरुदेव जी, आपकी कृपा से मुझे ये सब प्रत्यक्ष देखने को मिला और मिलता है। जब आप लाखों नरनारियों के बीच से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगते हैं तो सभी स्त्री पुरुष विहल होकर रोने लगते हैं। आपने वो बंसी बजाई है कि मथुरा ही नहीं अपितु भारत के हर प्रांतों से, हर रिवाजों के, हर पोशाक के, हर बोली के स्त्री पुरुष आपके पास अपने हर कार्यों को छोड़कर, हर कष्टों को सहते हुए पैदल, रेलगाड़ी से, मोटर से, ऊँटों से, इक्के से, तांगे से, रिक्शे से, हवाई जहाज से भागे हुए आते हैं। मथुरा में हर वर्ष भंडारे में आपकी बंसी की महिमा देखता हूँ। 1200 मील की साइकिल द्वारा यात्रा में गोरखपुर से दिल्ली तक प्रेम का वो नमूना देखने को मिला कि स्मरण आते ही हृदय गदगद हो जाता है और जी करता है हर समय ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो। ये आपकी बंसी ही की तो करामात थी। जुलूस की फेरियों में एक ही समय में आगे भी, पीछे भी, बीच में भी आपका दर्शन सत्संगी प्रेमियों को मिला। गोरखपुर से एक बार जब आप जा रहे थे, प्रेमीगण विदाई के अवसर पर प्रार्थना करते हुए रो रहे थे। सबकी इच्छा ऐसी ही थी कि आपको न जाने दूं। उस समय आप जब भी चलने के लिए उठते थे कि प्रेमियों से घिर जाते थे। आपने तब ऐसी कृपा किया कि सभी प्रेमियों ने आंखें बंद की और एक ही समय सभी को आप मिले, फिर किसी को तनिक भी सुध नहीं रही। आपकी मोटर कार की भौंपों की आवाज जब बजी तो सभी प्रेमी भौचक्के से होकर आपके पीछे दौड़े और आप जय गुरुदेव कहते हुए, आशीर्वाद देते हुए प्रस्थान कर गए। सरकार की दया से ऐसा अवसर कई बार देखने को मिला है। हे मेरे मालिक, मेरी प्रार्थना है कि ऐसा अवसर बार बार मिले कि आपकी लीलाओं का देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं भाग्य का खोटा हूँ और भाग्य को आप बनाने वाले हैं, कर्मों के लेखे को फाड़ देने वाले हैं। मैं इतना कृतज्ञ हूँ कि अभी तक मैं आपके आज्ञा का पालन पूरा नहीं कर पाया और आप मुझे हर समय भोजन, वस्त्र, सभी सुविधाएं देते हैं। रह रहकर अपने रास्ते से गिर जाता हूँ, उन कर्मों को कर देता हूँ जिनको आपने मना किया है। हे पतित पावन, मैं महापात की हूँ, मेरे समान गिरा हुआ कोई नहीं है। हे दयाल, अपनी दया से आपने सदा ही पातकियों को अपने चरणों में लगाया, ऐसा मैं सुनता हूँ, कथाओं में, पुराणों में पढ़ा हूँ। हे नाथ, आप दीन दयाल हैं, मुझ अनाथ के आप ही नाथ हैं। मुझे आपको छोड़कर किसी का सहारा नहीं है। हमारे सभी जाने अनजाने भूलों को क्षमा करें और अपने चरणों में लगा लें। जय गुरुदेव।